नमस्कार। आज की वीडियो में हम पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर पर चर्चा करेंगे। अपनी खबर आत्मकथा हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं में से एक है। पांडे बेचन शर्मा जी का लेखन अपनी बेबाकी और यथार्थवादी दृष्टि के कारण प्रसिद्ध रहा है। कुछ लोगों ने इसी कारण इन्हें प्राकृतवादी लेखक भी कहा है। आत्मकथा की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता होती है। इस दृष्टि से यह आत्मकथा हिंदी साहित्य में विशेष रूप से चर्चित रही है। अपनी खबर आत्मकथा का प्रकाशन 1960 ईस्वी में किया गया। लेखक ने 60 वर्ष की आयु के उपरांत यह आत्मकथा लिखी, लेकिन इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों को ही रचना का आधार बनाया है। इसका क्या कारण है, इसका संतोषजनक उत्तर देना संभव नहीं। अपनी खबर आत्मकथा में कुल 17 अध्याय हैं। इसमें कुछ अध्यायों जैसे दिग्दर्शन, प्रवेश, जीवन संक्षेप और असंबल गान जैसे शीर्षक को हटा दिया जाए तो आत्मकथा की दृष्टि से 13 अध्याय महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक अलग अलग शीर्षकों में और अध्याय में लिखी गई है। 13 प्रमुख अध्यायों में 9 अध्याय प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित हैं और 2 अध्याय चुनार तथा बनारस और कलकत्ता स्थान विशेष से संबंधित हैं। आत्मकथा अपने आप में जीवन संक्षेप ही है। फिर जीवन संक्षेप नामक 16वें अध्याय लिखने की क्या आवश्यकता थी, यह तो स्वयं लेखक ही जाने। अपनी खबर आत्मकथा उस प्रकार की आत्मकथा नहीं है जिस प्रकार की आत्मकथाएं सामान्य तौर पर हुआ करती हैं। इसलिए लेखक ने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ही उसे अलग रूप में लिखा है। पुस्तक के 17 अध्याय इस प्रकार हैं: दिग्दर्शन, प्रवेश, अपनी खबर, धरती और धान, चुनार, नागा भगवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, जीवन संक्षेप, असंबलगा। अपनी खबर आत्मकथा का पहला अध्याय दिग्दर्शन है। व्यापक रूप से अपने आप को देखने की कोशिश का नाम ही दिग्दर्शन है। तुलसीदास के विनय पत्रिका के दन्य और गलानी भाव की तरह उग्र जी के जीवन का आत्मविश्लेषण भी कुछ इसी प्रकार का है। जब जन्मी जन्मी जग दुख दुखू दिसि पायो, तुलसीदास की तरह उग्र जी की आत्मस्वीकारोक्ति देखें तो उन्होंने लिखा है, सच कहता हूँ कौन सा ऐसा नीच नाच होगा जो लघु लोभ ने मुझ बेशरम को न नचाया होगा, किंतु आप आह लालच से ललचाने के सिवाय नाथ हाथ कछु नहीं लाग्यो। पश्चिमी आत्मकथा परंपरा में आत्मगलानी जैसे तत्व के साथ रचना की शुरुआत करने का प्रचलन नहीं है। यह भारतीय रचना परंपरा है जिसका पालन उग्र जी ने इस आत्मकथा में किया है। आत्मकथा लिखने की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब यह स्पष्ट हो जाए कि आत्मकथा क्यों लिखी जा रही है। इस दृष्टि से उग्र ने अपनी आत्मकथा लिखने का कारण उसके दूसरे अध्याय प्रवेश शीर्षक में लिखा है। यह अध्याय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें आत्मकथा लिखने का कारण आत्मकथा पढ़ते समय सावधानी और आत्मकथा के खतरे का संकेत लेखक ने किया है। प्रवेश का प्रारंभ उस घटना से होता है जिसमें आचार्य नलिन विमोचन शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, शिवभोजन सहाय उग्र जी के घर आते हैं। यहीं पर शिवभोजन सहाय उग्र जी से अपनी आत्मकथा लिखने को कहते हैं। लेखक को इस बात पर शंका होती है कि बहुतों के बारे में सत्य प्रकट हो जाए तो उनके यश और जीवन का चिराग ही लुप लुप करने लगे। आत्मकथा लिखने का उद्देश्य बताते हुए लेखक लिखता है कि जिन्हें मैं बहुत निकट से जानता हूँ, ऐसों के बारे में अपने संस्मरण यदि कभी मैंने लिखे तो उसका उद्देश्य भांडाफोड़ या व्यक्तिगत विद्वेष नहीं होगा। उद्देश्य यह प्रमाणित करना होगा कि कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें कल्पना तक छू नहीं सकती। आत्मकथा के खतरे की ओर संकेत करते हुए उग्र जी ने लिखा है, अपनी यादाश्त पब्लिक की जानकारी के लिए लिखने में आत्म प्रशंसा और अहंकार प्रदर्शन का बड़ा खतरा रहता है। ऐसे संस्मरणों में किसी एक मंद घटना के कारण अनेक गुण संपन्न पुरुष पर अनावश्यक आंच भी आ सकती है। अपनी आत्मकथा को सावधानी से पढ़ने की मांग करते हुए पाठकों से उग्र जी कहते हैं, इन संस्मरणों को पढ़ने पर किसी को ऐसा लगे कि मैंने निंदा या बुराई किसी की है तो मान्यता होगा कि मुझे ठीक तरह से लिखना आया नहीं। दूसरा तर्क यह है कि आईने में अपना मुंह देख कोई यह कहे कि दर्पण तो उसका निंदक है। प्रवेश का अधिकांश भाग प्रकाशक महोदयों और निराला पर केंद्रित है जिनका पांडे बेचन शर्मा जी के जीवन से घनिष्ठ संबंध रहा है।
आत्मकथा का तीसरा अध्याय अपनी खबर है, जो पुस्तक का शीर्षक भी है। इसमें लेखक ने अपनी खबर दी है और ली भी। अध्याय का प्रारंभिक अंश जन्म, पारिवारिक स्थिति, बेचन, नामकरण के इतिहास, सनातन ब्राह्मण धर्म के पाखंड पर केंद्रित है। इसके बाद का अंश पारिवारिक सामाजिक व्यभिचार के यथार्थ चित्रण पर आधारित है। पिता की मृत्यु, भाई का जुआ खेलना, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाना, परिवार का कर्जदार होना और उसके बाद बड़े भाइयों के साथ रामलीला मंडलियों में काम करने का बड़ा जीवंत दृश्य इस आत्मकथा में उग्र जी ने चित्रित किया है। अगला अध्याय धरती और धान, उनके पिता वैजनाथ पांडे और माता जयकली के संस्मरण पर आधारित है। जजमानी वृत्ति वाले उनके पिता अच्छे तो थे, लेकिन अनबैलेंस्ड भी कम नहीं थे। इसलिए उन्हें क्षय रोग हुआ, जिससे असमय में ही उनके जीवन स्रोत का क्षय हो गया। इसी प्रकार माँ के झगड़ालू, मेहनती और गुणी रूप को उग्र जी ने स्मरण किया है। माता पिता के संस्मरण के साथ ही घर की आर्थिक स्थिति का बड़ा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है। धर्म का लोप हो रहा था, परिवार टूट रहा था, यानी धर्म टका युग का उदय हो रहा था। इसका संकेत इस अध्याय में किया गया है। चुनार शीर्षक अध्याय में जन्मभूमि के प्रति लेखक का लगाव व्यक्त हुआ है। उन्होंने अपने गांव की प्राकृतिक रमणीयता का वर्णन करते हुए लिखा है, चुनार विंध्याचल का आंगन ही तो है। मीठे पानी के जीवन प्रद कुएं, निर्मल नीर पूर्ण तालाब, बावलियां, बाग, उपवन, वन के इतिहासों के चरण चिन्ह चुनार में चतुर्दिक फैले हुए हैं। चुनार से सटी विंध्याचल की सुखद घाटियों में परिजात के, पलाश के, बहेड़े के, महुए के वन के वन हैं। जब शरद ऋतु में सारी घाटी पारिजात पुष्पों की सुखद सुगंध से भर जाती हैं, तो लगता है यही तो है नंदन वन। प्राकृतिक वर्णन के साथ ही उन्होंने चुनार के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की ओर भी संकेत किया है। जरासंध के दुर्ग से विक्रमादित्य, भृतहरि के प्रसंग के साथ ही लेखक ने आल्हा उदल के संबंध को भी जोड़ा है। इस किले से सम्राट हुमायूं, शेरशाह सूरी, चेत सिंह, पंजाब की महारानी जिंदा, वाजिद अली शाह का संबंध भी जोड़ा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध बंदियों को ब्रिटिश सरकार ने इसी किले में रखा था। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की तो यह मुख्य धुरी है। चुनार के दर्शनीय स्थलों में एक दरगाह भी है, मशहूर मुस्लिम बली हजरत कासिम सुलेमानी की। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिशों की बस्ती लोअर लाइन्स चर्च का वर्णन भी रोचक बना है। सेना के सिपाहियों द्वारा ग्रामीण लोगों पर मनमाने अत्याचार का वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नागा भगवत दास अध्याय के केंद्र में 1910 ईस्वी के आसपास की घटनाएं दर्शाई गई है। इस अध्याय में पश्चिमी पाकिस्तान, उस समय के पंजाब के रामलीला मंडली के साथ लेखक ने अपने अनुभवों का चित्रण किया है। इसी तरह महंत राम मनोहर दास अध्याय के केंद्र में 1911-12 ईस्वी की घटनाएं शामिल हैं। घटना के केंद्र में अयोध्या की रामलीला मंडली का दृश्य है। रामलीला मंडली में व्याप्त अनैतिकता, व्याभिचार के दृश्यों को लेखक ने स्वयं के एक तरफा प्रेम का दृश्य भी इसी अध्याय में शामिल किया है। अगले दो अध्याय भानु प्रताप तिवारी और बच्चा महाराज पर आधारित हैं। दोनों व्यक्तियों का उग्र जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भानु प्रताप तिवारी की रामायण टीका और पुस्तकों के संग्रह का लेखक के अध्ययन से गहरा संबंध रहा है। इस अध्याय में उग्र जी ने अपने परपितामह सुदर्शन पांडे के चमत्कारी कार्यों को भी स्मरण किया है। इस अध्याय में उग्र जी ने स्वयं को हरकू ब्रह्म के कुल का बताया है। पुस्तकों की ओर झुकाव लेखक को भानु प्रताप तिवारी के कारण हुआ। बच्चा महाराज का चरित्र वैसे तो अराजकता और विलासिता का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन उनकी विचित्रता जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, गीत गोविंद के पद, विनय पत्रिका के पद, ज्योतिष तंत्र और मंत्रों में उनकी अद्भुत गति ने उग्र जी को अपनी ओर आकृष्ट किया। अगला अध्याय लेखक के चाचा द्वारा गोद लिए जाने और पढ़ाई प्रारंभ से जुड़ा है। चाचा द्वारा गोद लिए जाने पर उग्र जी की पढ़ाई चुनार की बजाय काशी से होने लगी। आठवीं तक पढ़ने के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने से उनको चुनार आना पड़ा। चुनार से कलकत्ता और फिर कलकत्ता से काशी। लाला भगवान दीन अध्याय लेखक के गुरु परिचय से आरंभ होता है। इस अध्याय के केंद्र में है लाला भगवान दीन, जो लेखक के दूसरे गुरु माने जाते हैं।
इनमें लाला भगवान दीन और अन्य गुरुओं का सानिध्य का चित्रण किया गया है, जो उग्र जी की साहित्यिक प्रतिभा के विकास का चित्र है। पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर अध्याय आज पत्र के माध्यम से उग्र के प्रतिष्ठित होने की कहानी है। इस अध्याय में उग्र जी के शशिमोहन शर्मा और अष्टावक्र उपनाम की कहानियां भी हैं। इस अध्याय में ही दस आने के हिसाब से मजदूरी मिलने का जिक्र भी है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त अध्याय उन्हीं को समर्पित है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के अतिशय राष्ट्र प्रेम, संपादक, समाज सेवक और सखा यानी कुल मिलाकर देवता तुल्य रूप का बखूबी वर्णन लेखक ने किया है। इस अध्याय में घोषित तौर पर आजकल का अर्थ 1921 तक है, लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी अध्याय में यह सीमा 1948-49 तक चली गई है। इस अध्याय में कमलापति त्रिपाठी के राष्ट्र प्रेमी रूप से मंत्री बनने तक की कहानी है। इस अध्याय से लेखक राष्ट्र पर सत्ता की विजय का संकेत भी करता है। अगला अध्याय बनारस और कलकत्ता पर आधारित है। इसमें बनारसी संस्कृति को दर्शाया गया है। इसके उपरांत 16वें अध्याय जीवन संक्षेप और 17वें अध्याय असंबद्ध गान से आत्मकथा समाप्त हो जाती। इस प्रकार हमने अपनी खबर आत्मकथा का संक्षेप परिचय जाना। पांडे बेचन शर्मा का व्यक्तित्व विद्रोही और स्वच्छंद किस्म का रहा है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी रचनाओं पर विशेष रूप से पड़ा है। अपनी खबर आत्मकथा में इन सभी तत्वों का मिश्रण है। आत्मकथा का कलेवर अन्य गद्य विधाओं से अलग किस्म का होता है। इसमें लेखक अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा को तटस्थ ढंग से विश्लेषित करता है। आत्मकथा में घोषित तौर पर 21 वर्षों का वर्णन है, लेकिन यह वर्णन क्रमवार नहीं है। कहीं 1921 के बाद की घटना का भी वर्णन है, जैसे कमलापति त्रिपाठी शीर्षक अध्याय में 1948-49 के समय का वर्णन है। आत्मकथा चूंकि लेखक द्वारा खुद के जीवन का क्रमवार आलोचनात्मक मूल्यांकन ही होता है, इसके बावजूद एक अध्याय जीवन संक्षेप भी रखा गया है। इस आत्मकथा में घटनाओं की क्रमिकता कई बार खंडित होती है। 9 अध्याय अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित हैं। अच्छा होता यदि घटनाक्रम में व्यक्तियों का जिक्र होता। अलग अलग व्यक्तियों पर अध्याय शामिल करने से आत्मकथा की निरंतरता प्रभावित हुई है। दिग्दर्शन और असंबल गान दोनों ही अध्याय आत्मकथा से तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन इसके बावजूद भी यह आत्मकथा हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आत्मकथा के आधार पर उग्र के व्यक्तित्व का विस्तृत चित्रण अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।